हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिंकी। फ्रेंड्स, कल मैंने अपनी वीडियो में 3 डेज चैलेंज दिया था कि आप अपनी स्किन पर जितने भी काले धब्बे और निशान हो जाते हैं उसको कैसे क्लियर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब हम फेस पैक अप्लाई करते हैं तो कई बार हमें उसका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, इसलिए फ्रेंड्स डे 2 में आपको एक स्क्रब अप्लाई करना है। जो आज आपको स्क्रब दिखाया जाएगा, आपको वो स्क्रब अप्लाई करना है, और उसके बाद जो हमने डे 1 में फेस पैक लगाया था आपको वही फेस पैक अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, कई बार हम स्क्रबिंग नहीं करते हैं, पर जो डेड स्किन होती है फ्रेंड्स, जो हमारा चेहरा होता है वो हर 2 हफ्ते में नई स्किन तैयार करता है, इसलिए जो पुरानी स्किन होती है वो हमें निकालनी बहुत जरूरी होती है, और वो तभी हटती है जब हम उस पर स्क्रबिंग करते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स डे 2 में आपको स्क्रब तैयार करना है। फ्रेंड्स, स्क्रब बनाने के लिए आपको यहाँ पर 1 चम्मच जो लाल मसूर की दाल होती है उसका पाउडर ऐड करना है। आप उसको लेकर मिक्सर में डालकर उसका पाउडर बना लेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स इससे अच्छा स्क्रब मैं आपको नहीं बता सकती। ये डेड स्किन को रिमूव करता है, डार्कनेस को दूर करता है, और हमारी स्किन को बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग भी बनाता है। फ्रेंड्स, उसके बाद आपको इसमें 1/2 चम्मच बेसन ऐड करना है। बेसन ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड की प्रॉब्लम को दूर करता है, और साथ ही साथ स्किन को बहुत ही ज्यादा ब्राइट और ग्लोइंग भी बनाता है। और फ्रेंड्स, सबसे लास्ट में आप इसमें दही ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये स्क्रब अप्लाई करेंगे, और जैसा आपको दिखाया गया आपको हल्के हाथों से 4 से 5 मिनट के लिए मालिश करनी है, ताकि जितनी भी हमारी स्किन डेड हो चुकी है वो निकल जाए। और इसके साथ धूप की वजह से या फिर किसी भी वजह से अगर हमारे चेहरे पर डार्कनेस आ गई है तो वो भी दूर हो जाएगी। और फ्रेंड्स, स्क्रबिंग करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिसकी वजह से जितना भी स्क्रब है वो स्किन के अंदर तक जाकर हमारे पोर्स को क्लीन करता है, और साथ ही साथ हमारी रंगत को भी निखारता है। और फ्रेंड्स, डे 2 में आपको पहले स्क्रब अप्लाई करना है, और जो डे 1 में बताया था आपको फेस पैक, वो फेस पैक आप इसके बाद अप्लाई करेंगे, और फ्रेंड्स 4 से 5 मिनट बाद आप इसको पानी की हेल्प से क्लीन कर देंगे। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में। बाय।